लगता है जल्दी आ गए। नहीं नहीं 5 मिनट पहले ही आए हो। अच्छा कैब से आए हो या ऑटो से, मुझे पता ना चल जाए इसलिए पहले ही आ गए क्या? मुझे तुमसे कुछ छुपाने की क्या जरूरत है, घर वालों ने सब कुछ डन कर ही दिया है, उनके हिसाब से तो हमारी शादी फिक्स हो गई है। हाँ उनकी तरफ से तो फिक्स हो गई है, लेकिन मुझे ना कुछ डिटेल्स चाहिए, मुझे कुछ देखना है। क्या देखना है? देखो आजकल लोग ना बहुत बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, कमाता 10,000 होगा और बताएंगे कि 40-50,000 कमाता है ताकि एक अच्छी लड़की मिल जाए, और शादी के बाद सच कुछ और ही निकलता है। तो मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे कहा कि तुम 1 महीने में 1 से 1.5 लाख कमा लेते हो, तो मैं कैसे मान लूं? और तुम मान जाओ इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ना मुझे अपनी बैंक डिटेल्स दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मुझे कहा है कि तुम अगर 1 लाख पर महीना कमाते हो तो बैंक में 1 लाख तो होगा ना दिखाने के लिए, अगर इतना भी होगा तो मैं मान जाऊं। ठीक है मंजूर है मुझे, मैं तुम्हें अपना अकाउंट दिखा दूंगा, लेकिन मुझे भी तुम्हारा चेकअप कराना है। तुम इतना आगे तक का सोच रही हो तो मुझे भी तो फ्यूचर का सोचना है ना। किस चीज का चेकअप? देखो तुम्हारा कोई ना कोई पास्ट रहा होगा और उस पास्ट में तुमने कुछ गलतियां भी की होगी, और उन गलतियों को छुपाने के लिए कोई टैबलेट भी खाई होगी, तो मुझे यही चेकअप कराना कि तुम माँ बन सकती हो या नहीं। ये कौन करवाता है? आजकल तो नॉर्मल है सब करवाते हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं करवाना कोई टेस्ट। देखो मुझे तुम्हारे पास से कोई दिक्कत नहीं है, सबके होते हैं, लेकिन बिना चेकअप के मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने ये कंडीशन रखी है तो एक कंडीशन मेरी भी है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारे यहाँ भी बैंक बैलेंस कोई चेक नहीं करता। तो ठीक है मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है कोई बात नहीं, और तुम्हें बता दूं कोई भी लड़का कभी भी किसी को अपनी एक्चुअल इनकम नहीं बताता। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ झूठ बोला, लेकिन मैंने अपनी इनकम ज्यादा नहीं बताई, कम बताई थी, क्योंकि हर लड़का ना अपने घर वालों को या किसी को भी पूरी इनकम नहीं बताता, वो कम बताता ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करता रहे। वैसे तुम्हारी एक्चुअल इनकम है कितनी? अभी बोला ना कि वो एक्चुअल इनकम किसी को नहीं बताता, अपने परिवार को नहीं बताता, तो तुम्हें तो क्यों ही बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है मत बताओ। इनकम नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें बैंक बैलेंस चेक करना था ना, वो जरूर दिखा सकता हूँ। लगता है मैथ वीक था तुम्हारा, ये 48 लाख नहीं है, 4,80,00,000 रुपए है। क्या? हाँ चलो। हाँ तुम बोल रही थी ना कि टैक्सी या ऑटो से आया हूँ, तो एक बार जाते हुए देख लेना मैं कौन सी गाड़ी से आया।